गाइस हेलो, वेलकम बैक अगेन। सो आज हम लोग दो थ्योरी डिस्कस करेंगे लर्निंग से रिलेटेड। तो पहली थ्योरी है, इसका नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसको दिया है बी एफ स्किनर ने, अमेरिका के रहने वाले हैं, एंड इसको थ्योरी ऑफ रीइन्फोर्समेंट भी बोलते हैं। रीइन्फोर्समेंट हम लोग पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, रीइन्फोर्समेंट में ये होता है कि जब भी आप जैसे बच्चे को कुछ पॉजिटिव या जैसे कुछ अच्छा बोल सकते हैं या उनको आप कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, है ना, तो इससे क्या होता है कि उनमें काफ़ी मोटिवेशन उनको मिलता है, काफ़ी अच्छा वो कर सकते हैं, ठीक है। तो रीइन्फोर्समेंट इनको बोला जाता है, थ्योरी ऑफ रीइन्फोर्समेंट। और इसमें देखिए, पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो भी हम लर्निंग की थ्योरीज पढ़ेंगे सब में एक्सपेरिमेंट करे गए हैं साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, और उसके बेसिस पर उन्होंने वो बताया है कि उसका रिजल्ट क्या है और कैसे हम लोग वो बच्चों के एडुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था, एक रैट लिया था, हंग्री रैट था, मतलब उसको एक बॉक्स में रखा था जिसका नाम था स्किनर्स बॉक्स। मतलब स्किनर ने उसका इन्वेंशन किया, मतलब कि उन्होंने समझाया था, तो फिर इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, स्किनर बॉक्स। इसमें उन्होंने बताया था एक रॉड रखी हुई थी, लगी हुई थी मतलब उसमें, और जब भी वो रॉड को प्रेस करता था रैट, तो उससे क्या होता था, उसको खाना मिल जाता था। तो कुछ देर के बाद फिर से जब वो भूखा होता था तो फिर से वो प्रेस करता था, फिर से उसको खाना मिल जाता था। तो वो समझ गया कि जब भी हम रॉड को प्रेस करेंगे तो हमको खाना मिलेगा। तो ये जो फूड है उसका, वो पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट है। और उसको करने का तरीका क्या था, लीवर को प्रेस करना। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट है वो उसका है, रॉड को, मतलब लीवर को या रॉड को प्रेस करना, ठीक है। फिर उन्होंने अगला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जैसे उन्होंने बताया था इलेक्ट्रिक करंट का प्रोविजन दिया था इसमें, मतलब कि अगर वो पार्ट टच करेंगे तो उनको करंट लग जाएगा रैट को। तो पहली बार तो उन्होंने जब प्रेस किया रैट ने, मतलब कि लीवर को, तो कहीं ना कहीं से उनका पार्ट टच हुआ होगा और उनको करंट लगा। तो फिर रैट समझ गया कि ये वाला पार्ट जो है उससे हमें डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। तो अगली बार उसने जब वो लीवर दबाया तो ऐसा करा कि उस पार्ट को टच ना करें, तो समझ गए थे कि यहाँ पे हमको करंट मिल रहा है तो हमको वो चीज़ नहीं करनी है। तो यहाँ पे जो करंट है, देखिए मैंने लिखा, अंडरलाइन भी करा हुआ है लास्ट लाइन में, जो करंट है वो नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट है। मतलब कि ये उसको पता चल गया था कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो हमको ये पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो स्किनर ने इस एक्सपेरिमेंट से रीइन्फोर्समेंट की खासियत बताई है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव से क्या होता है कि वो उस काम को रिपीट करता है, और नेगेटिव से क्या होता है कि वो उसको अवॉइड करता है, ठीक है। तो ये तो हो गई एक्सपेरिमेंट की बात जो बी एफ स्किनर ने करा था। फिर बात करते हैं कि इसका एडुकेशनल इम्प्लीकेशन, मतलब कि जो आपने अभी एक्सपेरिमेंट अभी देखा या सुना, सॉरी, तो कैसे उन्होंने मतलब एडुकेशन के लिए समझाया था। इन्होंने कहा था कि रीइन्फोर्समेंट जो होता है वो दोनों ही जरूरी है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि उससे बच्चा मोटिवेटेड रहेगा, नई नई चीज़ें सीखेगा, और वो अगली बार भी उसको करने के लिए जाएगा। मतलब जैसे बच्चों की तारीफ कर देना, और जैसे उनको सबके सामने सम्मान देना, और रिवॉर्ड्स मेडल्स कुछ भी हो सकता है। और नेगेटिव भी कुछ जगहों पे ज़रूरी होता है, जैसे कि आपने रैट वाला देखा अभी केस। तो नेगेटिव इसलिए ज़रूरी होता है ताकि उनके में डिसिप्लिन आ जाए, उनको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये गलती करूँगा तो मुझे सज़ा मिलेगी। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकल फॉर्म में हो सज़ा, अब जैसे कि होमवर्क रिपीट के लिए बोल देते हैं टीचर्स, या और भी कुछ ऐसे पनिशमेंट्स हो सकते हैं जो बच्चों को दिए जा सकते हैं, ओके। फिर अगला जो पॉइंट था वो था, स्किनर डेवलप्ड द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। देखिए, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब ये था, स्किनर ने ये बताया था कि अगर आप टीचर के लिए बताया था यारा पॉइंट, कि अगर आप अपने कंटेंट को, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अगर उसको डिवाइड कर लें, जैसे कि प्रोग्रामिंग में होता है कि आप अपने प्रोग्राम को डिवाइड कर लेते हो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, तो वैसे ही अगर आप अपने कंटेंट को अगर छोटे छोटे प्रोग्राम वाइज उनको समझाएंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा और वो अच्छे से उसको कर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ज़रूरी है, और उन्होंने ये बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट होता है, इसीलिए इसका नाम क्या था थ्योरी का, द थ्योरी ऑफ रीइन्फोर्समेंट, या फिर जो मेन जो नाम है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, ओके। सो ये थ्योरी आपकी एक कंप्लीट हो जाती है। फिर बताते दूसरी थ्योरी के बारे में, जो दूसरी थ्योरी थी उसका नाम था यहाँ पे इनसाइड थ्योरी ऑफ कोहलर, और इसको दिया था गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने। कोहलर भी मतलब इन्होंने मेनली समझाया था सारी चीज़ें, और गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ये दिया गया था। देखिए, इन्होंने क्या करा था, एक एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजीज के ऊपर। चिंपैंजीज के ऊपर क्या किया था, एक फ्रूट रखा था, तीन बॉक्सेस दे दिए थे, और दो स्टिक थी, एक छोटी एक बड़ी, और बड़ी वाली जो स्टिक थी वो छोटे वाले से अटैच हो सकती थी, ठीक है, ताकि वो स्टिक और लंबी हो जाए, ठीक। तो ये प्रोविजन उन्होंने दे दिया। फिर ये मैंने एक डायग्राम के थ्रू समझाया है, पहले चिंपैंजी ने क्या करा, डायरेक्टली उस फूड तक पहुंचने की कोशिश करी, बट वो नहीं पहुंच पाया। फिर क्या होता है, थोड़ी देर तक वो बैठ जाता है चिंपैंजी और सोचता रहता है कि क्या कर सकते हैं।
फिर वो देखता है कि उसके बगल में बॉक्सेस है, तो उसने बॉक्सेस को अरेंज किया और बॉक्सेस के ऊपर चढ़कर फ्रूट को पा लिया। तो ये मैंने देखिए सक्सेस लिखा हुआ है, ठीक है, पहले वाले केस में फेलियर हुआ था। फिर या फिर और या फिर उसने एक तरीका ये भी सोचा कि दोनों स्टिक्स को जोड़ दिया और दोनों स्टिक्स को जोड़ने के बाद वो फ्रूट तक स्टिक को उसने ऊपर किया और फ्रूट उसने पा लिया। तो दोनों तरीके उसने अपनाए, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट कोहलर के द्वारा समझाया गया था, ठीक है। देखिए इस थ्योरी में मेनली ये समझाया जाता है कि चिंपैंजी ने पहले ट्राई किया, पहली बार डायरेक्टली मतलब कि बॉक्सेस का भी यूज़ नहीं किया, स्टिक का भी नहीं किया, तो वो फ्रूट तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन जब उसने स्टिक या बॉक्सेस का यूज़ किया तो वो पहुंच गया। तो कंक्लूजन में ये था, कोहलर का मेन कहना ये था लर्निंग के लिए कि बच्चों को खाली पास्ट एक्सपीरियंसेस की जरूरत नहीं होती है, वो भी जरूरी है, और साथ ही साथ एक आइडिया या इनसाइट, मतलब कि होता ना कि बच्चों के अंदर से एक आइडिया डेवलप होता है कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं ना। तो मैंने वही लिखा है, एन इनसाइट और द आइडिया शुड बी देयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक। तो ये चीज़ बच्चों के अंदर अपने आप से आती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, वो अपने व्यू पॉइंट या थॉट्स को चेंज करते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग कि इस प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए, इस प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए। तो इससे वजह से क्या होगा कि वो चीज़ें जल्दी सीख लेता है और अपना दिमाग लगाकर और जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उसका वो यूज़ करता है। मतलब दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और ये जो लर्निंग होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है, बच्चा अपना जो प्रॉब्लम देखता है उसके प्रति फिर वो काम करता है और वो सिंपल नॉलेज का यूज़ करता है ताकि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उसका वो सॉल्यूशन पा पाए, ठीक है। तो इसका जो मेन जो इनसाइड थ्योरी ऑफ कोहलर का जो लॉजिक था वो ये था कि बच्चे जो होते हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस के साथ साथ अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है या फिर जो उनका आइडिया जैसे उनको आता है तो वो भी वो लोग यूज़ करते हैं लर्निंग को पाने के लिए। सो ये आपका हो गया इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसका चिंपैंजी का यूज़ किया गया था। और ये जो आपका थ्योरी हो गया इसका नाम है यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, ये भी। सो दो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली आपके पास एक थ्योरी बची है पैवलोव वाली, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू।